अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। आइए अदालतें आज की अहम खबर पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम और सबको नमस्ते। मैं मोहम्मद असद, होमगार्ड ऑफिसर टू अफजलगंज पीएस। हमारे बी किशन साहब, एएसआई ऑफिसर टू अफजलगंज पीएस। आज मॉर्निंग जो है सुबह 11:35 को हुमायूं नगर पीएस से एक लेडी असमा बेगम का शौहर जो है ऑटो में डालकर उनकी डेड बॉडी लाया। 11:35 आज मॉर्निंग लेके आए। तो हम लोग कैजुअलिटी में ड्यूटी कर रहे थे, मैं और साहब आके उन्होंने अंदर लाया। लाके बोला एक लेडीज़ पड़ी हुई है कचरा कुंडी में। मैं देखा साहब लेके आया तो मेरे को शक हुआ उसके पूरा उन्हें ही बोल रहा। एक लेडीज़ पड़ी हुई थी साहब कचरा कुंडी में। मैं ले लेके आया इनको, थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए लाया साहब, बोल के भागा। तो मैं आके उसके पीछे भागा, भाग के फिर उसको पकड़ा। जेब में थोड़ा चाकू दिखा उसके, बोला ये क्या है? बोले तो नहीं साहब, वो मेरा सामान है, कुछ मैं काम करता हूँ मिस्त्री का। बोला निकाले तो चाकू निकला, पकड़ के उसको साहब और मैं ले लेके अंदर गए। लेके जाके थोड़ा उसको पुलिस का जो है काम करना है वो काम करे तो उन्हें कबूल दिया। साहब मैच मारा, मैच मार के ले लेके आया कि मेरी बीवी का जो है ये लगा आसिफ नगर, हुमायूं नगर पीएस में रहते। तो मैं फिरोज खान साहब के घर के पास लिबर्टी लाइन बोल के आता कॉलोनी, वहाँ पे मारा इन्हों। फिरोज खान साहब भी आए थे, आके करके साहब पूरा हम लोग से मिलके करके गए। पूरा हम लोग हुमायूं नगर पीएस को इंटीमेशन करे, उनको बुलाए, हुमायूं नगर पीएस से बात करे हमारे अफजलगंज पीएस से। हमारे सीआई लिंगेश्वर साहब भी बहुत कॉर्पोरेट करे, हमारे किशन साहब भी कॉर्पोरेट करे। बुला के करके वो लोगों को हैंड ओवर कर दिए। डेड बॉडी उस्मानिया के मार्चरी में है, 6 बच्चियाँ हैं असमा बेगम को, और अपने क्या बोल, इसका नाम मारने वाले का नाम मोहम्मद हसन है, मोहम्मद हसन नाम है। उन्होंने कुछ मस्जिद में पेशमाम का काम करते बोल के मालूम हुआ, पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो असमा बेगम का किसी गैर महर मर्द के साथ रिलेशन था, वो अल्लाह बेहतर जाने, हमको तो पता नहीं है। उन्होंने ऐसा अपना बयान दे रहा, स्टेटमेंट दे रहा। बहरहाल हमारा जो फ़र्ज था हम उसको निकाल, मालूम हो गया उनके घर वाले आए हुए बैठे हुए, देखिए आप पूरा घर वाले आए सुबह है अल्हम्दुलिल्लाह लेके चले गए। मगर बहुत तकलीफ़ की बात है, 6 मासूम बच्चियाँ हैं, मगर इंसानियत का काम ऐसा जो है बहुत गलत काम करे उन्होंने ये, क्योंकि इस्लाम में एक मुस्लिम रह के एक इंसान की जान बचाना पूरे इंसानियत की जान बचाने के बराबर है, एक इंसान को मानना पूरी इंसानियत का कत्ल के बराबर है। ये ऐसा इंसान जो है ना किसी भी धर्म का रिलेशन का नहीं होता, ये एक इनका दिमाग जो है शैतान है, ये इंसान तो नहीं होते, बहुत टॉर्चर करे उसको। हाँ नशा लेता हूँ, अच्छा आदमी नहीं है। उसको लेके गए, साहब भी बहुत कॉर्पोरेट करे। अब उसको हुमायूं नगर पीएस श्रीनिवास साहब ऐसे ही साहब आए थे, लेके चले गए और बॉडी मुर्दे खाने में मुंतकिल करे। और बहुत बहुत थैंक्स हमारे स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस का, जो है आप लोग हमेशा सच्चाई बयान करते, और अब्दुल रऊफ़ साहब बहुत अच्छा जो है ये सच्चाई के लिए आगे पहले बढ़ते, अब्दुल रऊफ़ साहब और स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस और एबीपी न्यूज़, ये पूरे जो है बिल्कुल अच्छा काम करते उस्मानिया में, गरीबों का सपोर्ट करते, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम को। अब्दुल रऊफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सर, हमारे डीजीपी सर, हमारे हायर ऑफिसर्स जो ऐसे मर्डर्स करने वालों को छोड़ने वाले नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना भी छोड़ने वाली नहीं है, जो है इसके लिए सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे सीपी साहब जो है ना, इनके लिए एक अलग टीम बनाई गई है, कई हमारे सीपी